आया ना घर में नहीं बुलाओगे ना मुझे। हाँ मैं किसी शरीफ आदमी के घर में कमिन कम कम तो होटल में कल कुछ बच गया था, अब यहां सुनाने आए हो? आनंद ने बाकी बात सुन ली। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप शर्मिंदा भी होते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। आनंद, कल रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं नहीं, शराब। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग शराब को क्यों बदनाम करते हैं। अरे भाई, दिल की भड़ास किसी पर निकालनी हो तो बस दो चार पैग लगा लिए और शुरू हो गए। शराब के नाम पर बस लोग दिल की बात कह देते हैं और फिर दूसरे दिन माफी मांगने आ जाते हैं ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस माय फ्रेंड। बस आला, प्लीज, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं, आई एम सॉरी। अरे तुम मेरी बात छोड़ो यार, कल तुमने जो शोभा से कहा इतने लोगों के सामने, उसके बारे में सोचा है तुमने? मैं उससे भी माफी मांगने को तैयार हूं। अच्छा, और तुम्हें उम्मीद है कि वो तुम्हें माफ कर देगी? आनंद, तुम कहोगे तो जरूर कर देगी। प्लीज मेरी फोन लगाकर उसे बात करा दो। अबे तुम उसे फोन क्यों नहीं लगाते? मैंने सुबह बहुत कोशिश की लेकिन मेरी आवाज सुनकर वो फोन काट देती है। आई सी, तो इसीलिए आप यहां आए हैं, यहां? हाँ आनंद, मैं उसे और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ माफी मांगना चाहता हूं। आनंद, तुम्हें दोस्ती का वास्ता। कोई बात नहीं भाई, तुम अपनी दोस्ती नहीं निभा सके तो कोई बात नहीं, मैं निभाऊंगा। ओह माय गॉड, हेलो शोभा, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। देखो, वो सुशील यहाँ आए हैं, वो बहुत शर्मिंदा है, तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। जहर देकर जीने की दुआ दे रहे हो आनंद? शोभा, वो बहुत शर्मिंदा हैं, जो कुछ उन्होंने कल किया वो नशे में किया, वो तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, उन्हें माफ कर दो प्लीज। पर आनंद, देखो तुम मेरी बात नहीं मानोगी, प्लीज शोभा। ठीक, आइए बात कीजिए। हेलो, बोलिए। सॉरी, देखो तुम्हें हमारे पुराने रिश्ते का वास्ता, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती, बिकॉज यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस। और मैं नहीं चाहती कि मेरे दिल से ऐसे हाई निकले जिसे तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाए, तो प्लीज काम लीव मी अलोन। शादी तो तुम्हारी भी तय हो गई है, मैं अभी से प्यार करती हूं। हाय प्रेम। हाय। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आओ। चलो कहीं पिक्चर देखने चलते हैं। नहीं, मेरा मूड नहीं। तो चलो कहीं आइसक्रीम खाने चलते हैं। मुझे आइसक्रीम खाने का मूड नहीं है। तो चलो ना कहीं लंबी ड्राइव पर चलते हैं। देखो पूनम, मुझे मूड नहीं है। क्या प्रेम, कब से मूड नहीं है, मूड नहीं है लगा रखा है, कमाल करते हो तुम भी। देखो कितना रोमांटिक माहौल है, कुछ रोमांस हो जाए। सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। ठीक है, जब तुम्हारा मूड भी रोमांटिक होगा ना तो मैं भी ऐसे ही नखरे करूंगी। नो प्रॉब्लम, लेकिन प्लीज अभी चलेगा, मैं कुछ उलझन में। उलझन? अगर तुम्हें कोई उलझन है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। देखो पूनम, प्लीज मुझे परेशान मत करो,
प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ओके। देखिए ना भाभी, आपका रेवा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैंने भी सोच लिया है, एक बार शादी हो जाने दो, फिर मैं भी गिन गिन के बदले लूंगी। हाँ क्या बात है प्रेम, मैं देख रही हूँ तुम पूनम से सीधे में बात नहीं करते। पता नहीं भाभी, वो जब भी मेरे सामने आती है मुझे इरिटेशन से होने लगती है। ताज्जुब है, प्यार करने वाले तो एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, पागल से हो जाते हैं, और तुम? छोड़िए ना भाभी, मैं बात करना नहीं चाहता। क्या तुम पूनम से प्यार नहीं करते? अब क्या बताऊं भाभी, जाने दीजिए ना। प्रेम, तुम तो पूनम से शादी कर रहे हो, उसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है तुमने। गुजार लूंगा। गुजार लूंगा? ऐसा लगता है तुम इस शादी से खुश नहीं हो। बस कुछ ऐसा ही समझिए। लेकिन शादी के लिए तो तुमने खुद हाँ कहा है। क्या करूं, मजबूरी थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? भाभी आप ये बात नहीं पूछे तो बेहतर होगा। देखो प्रेम, तुम सिर्फ मेरे देवर नहीं हो, मेरे दोस्त भी हो ना? तो बताओ मुझे क्या बात है, क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? प्लीज भाभी जाने दीजिए ना। देखो प्रेम, दुनिया में खुशनसीब वही होता है जिसकी शादी उसी से हो जिससे वो प्यार करता है, जैसे मैं और तुम्हारे भैया। लेकिन ऐसा तब होता है भाभी जब दोनों तरफ से प्यार का इजहार हो। अगर मैं किसी से प्यार करूं और वो मेरे प्यार को समझे ही नहीं, किसी और से प्यार का इजहार करते तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो तुम्हारे प्यार को जरूर समझेगी। मेरा प्यार सच्चा है भाभी, लेकिन उसे तो शायद प्यार का मतलब ही नहीं पता, हमेशा काटने को दौड़ती है। मेरे होते हुए उसने अभी के साथ प्यार का इजहार कैसे कर दिया? पूजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूजा? पूजा से प्यार करते हो? भाभी वो बात ऐसी है कि तुम पूजा से ही प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा ईगो तुम्हें इजाजत नहीं देता कि तुम जाके पहले प्यार का इजहार करो, है ना? नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है। देखो प्रेम, प्यार करने वाले ईगो नहीं रखते, उनके दिल में सिर्फ प्यार होता है, सिर्फ प्यार। लेकिन एक तरफा प्यार प्यार नहीं, दीवानगी है। प्यार का दूसरा नाम ही दीवानगी है, और ये एक तरफा नहीं है। जितना तुम पूजा से प्यार करते हो वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करती है। लेकिन वो तो अभी से प्यार करती है। वैसे दुनिया की नजरों में तुम भी तो पूनम से प्यार करते हो। लेकिन अभी ने मुझसे खुद कहा कि पूजा ने उससे प्यार का इजहार किया है। इसमें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और मैं आज ही जाके ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करूंगी, अभी और इसी वक्त। खास तुम्हारे लिए ऑर्डर देके बनवाई हूँ, कैसे लगी? बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? ये तो मेरे प्यार की निशानी है। मैं मानता हूँ कि शादी के बाद मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन शादी से पहले दी हुई चीज जिंदगी भर याद आएगी। हाय अभी। हेलो अनिता जी। आप अचानक, तुम्हारे से जरूर बात करनी थी। आप लोग बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। बैठो ना। नहीं नहीं और कभी आऊंगा। ओके बाय बाय। बोलिए क्या बात थी? या एक बात सच सच बता पूजा, क्या तुम्हारे दिल में अब भी प्रेम के लिए प्यार है? नहीं दीदी, अब वो प्यार तो खत्म हो गया। झूठ बोलती हो तुम, प्यार कभी खत्म नहीं होता। दीदी अब क्या फायदा उस प्यार के बारे में बात करने से जिसका कोई अंजाम ही ना हो? अंजाम है पूजा, प्रेम तुमसे अब भी बहुत प्यार करता है। नहीं दीदी, अगर प्रेम मुझसे प्यार करता तो पूनम से शादी करने का वादा क्यों करता? क्योंकि उसने सोचा तुम अभी से प्यार करती हो। पूजा आखिर प्रेम को भी किसी ना किसी से तो शादी करनी है ना, तो क्यों ना पूनम से? पूनम उसे बहुत प्यार करती है। तो ठीक है, अब हो भी क्या सकता है, अब तो बहुत देर हो चुकी। दीदी भाई, दो प्यार करने वालों के बीच की गलतफहमियां जिस दिन खत्म हो जाती है
उस दिन को प्यार का पहला दिन समझना चाहिए। तुम अपनी ईगो में क्यों रही? मुझे पहले ही बता देती तो मैं प्रेम से बात कर लेती। पर अब इन बातों का क्या फायदा दीदी, अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब सवाल हम दोनों का ही नहीं, दो और जिंदगियों का है, अवि और पूनम। अब प्रेम और मैंने अगर शादी का फैसला कर लिया तो उन दोनों पे क्या गुजरेगी? पूजा, कभी कभी जिंदगी में सेल्फिश होना पड़ता है। अगर तुम उन दोनों के बारे में सोचोगी तो तुम दोनों की जिंदगी घुटकर रह जाएगी। अब जो कदम उठाना है सोच समझ के उठाना। मेरा तो ख्याल है तुम्हें एक बार प्रेम से मिल लेना चाहिए। और मिलकर क्या कहूँ, ये तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। उस वक्त तुम्हारा दिल खुद तुम्हें जुबान दे देगा। Hi. I'm sorry. Even I'm sorry. Actually, मैं आपके जज्बात समझ ही नहीं पाई। मैं भी तुम्हारे फीलिंग समझ नहीं पाया। हम लोगों को फुर्सत ही कहाँ मिलती थी झगड़े से जो हम एक दूसरे के जज्बात समझ पाते। मैं तो अपना दिल उसी दिन हार गया था जिस दिन मैंने तुम्हें खुरान अंकल की बेटी की शादी में देखा था। मैं भी। फिर ये गलतफहमी क्यों हुई पूजा? पता नहीं, मेरे भी ये बात समझ में नहीं आती। अब उन बातों को याद कर कर वक्त क्यों बर्बाद करें? आज हम पहली बार ज़बान से नहीं दिल से भी बात कर रहे हैं। पूजा, I love you. I love you too. पर अब क्या हो सकता है? क्यों कुछ नहीं हो सकता? वो अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता सकते हैं। दूसरों को दुख देकर जो प्यार हासिल होता है ना, उसे प्यार नहीं मतलब परस्ती कहते हैं। हम किसे दुख दे रहे हैं? अनजान बनने की कोशिश मत करो प्रेम। यू आर कमिटेड टू पूनम और मैंने भी अवि से शादी का वादा किया है। अब हम उनका दिल तो तोड़ नहीं सकते ना। तुम ये कहना चाहती हो पूजा कि सच्चाई जान लेने के बाद भी मैं पूनम से शादी कर लूं और तुम्हें अवि से शादी करने दूं? प्रेम, पूनम तुमसे बहुत प्यार करती है और अभी मुझसे, हम उन दोनों का दिल कैसे तोड़ सकते हैं? प्यार का इजहार ना करके जो गलती हम दोनों ने की है उसकी सजा हम उन दोनों को क्यों भुगतने दें? पूजा, तुम्हारी बातों से तो लगता है तुमने फैसला कर लिया अभी से शादी करने का। लेकिन एक बात याद रख, अगर तुमने अभी से शादी की और मैंने पूनम से, तो हम चारों में से कोई भी खुश नहीं रह सकेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं क्या फैसला करूं प्रेम? एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ अभी को दिया हुआ वादा। अब तुम ही बताओ मैं क्या फैसला करूं? मुझे जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए पूजा। तुम्हें फैसला करना होगा, तुम्हें वादा प्यारा है या मैं। ये मत भूलो प्रेम कि तुमने पूनम से वादा किया है और मैंने अभी से। अब हम उन दोनों का दिल कैसे तोड़ सकते हैं? देखो, हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे उनका दिल भी ना तोड़े और हमारा प्यार भी कामयाब हो जाए। ये कैसे हो सकता है पूजा? दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना प्रेम। अब हम उन दोनों का दिल तोड़कर शादी तो नहीं कर सकते, बस ये समझो सच्चे प्यार पर खरे उतरने का बस अब वक्त आ गया है। भाई क्या बात कही है मन्ना जी आपने, वाकई बहुत बड़े दिलचस्प इंसान है आप, बहुत बड़े। वर्मा, मैंने तो जिंदगी की सच्चाई बयान की है, अब वो तुम्हें दिलचस्प लग रही है तो बहुत अच्छी बात है। हेलो सुशील साहब, क्या हुआ? वो अचानक गाड़ी बंद हो गई, मैकेनिक कहाँ मिलेगा? अरे अभी मैकेनिक का इंतजाम किए देते। एक मिनट। हेलो लकी गैरेज, ओ पुत्र। हाँ, अरे बाजू में सेकंड क्रॉसिंग रोड है ना, हाँ वहां एक मैकेनिक भेज दे, ग्रे कलर की गाड़ी है। हाँ हाँ, मैं वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जल्दी कर रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। लो जी, दो मिनट में मैकेनिक आ जाता है।
सुनाइए आप कैसे हैं? भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन आप कहाँ थे? बहुत दिनों बाद नजर आए। जिंदगी में कुछ उलझने थी, उन्हें सुलझा रहा था। आपकी जिंदगी में उलझने? अरे आप तो बड़े खुश मिजाज इंसान हैं, आप जैसे लोग तो जिंदगी में मिसाल देने के लिए होते हैं। वर्मा जी चलिए। हाँ चलो चलते हैं। अरे सॉरी आपको मिलवाना भूल गया, सुशील साहब ये हैं अमरनाथ जी, बड़े अच्छे इंसान हैं। और अमरनाथ जी ये हैं सुशील साहब, बड़े ही देवता हैं देवता। अरे कहाँ वर्मा जी, हम इतनी तारीफ के काबिल कहाँ हैं? अरे हीरे को थोड़ी पता होता है उसमें कितनी चमक है। वर्मा जी ये मत भूलिए कि हीरा जब गले में पहना जाता है तो चमकता है, लेकिन वही हीरा जब गले के अंदर चला जाता है तो मौत की नींद सुला देता है। क्यों सुशील साहब, हीरे की खासियत सही बयान की ना मैंने? जी आप ठीक कह रहे हैं। देखिए साहब मैं तो सुशील साहब के बारे में ये सोच ही नहीं सकता, ये तो फरिश्ता है फरिश्ता। वर्मा जी क्या हो गया आपको, चमचागिरी किए जा रहे? क्या दे दिया इसने आपको है? मैं तो आपको बड़ा अकलमंद आदमी समझता था, आप तो उल्लू के पट्टे हो, गधे हो। ये क्या कह रहे हैं वर्मा जी आप? ठीक कह रहा हूँ, जो आदमी इंसान कहने के लायक नहीं आप उसे फरिश्ता बना रहे। क्या आप इनको जानते हैं? अरे इसे ही नहीं, मैं तो इसकी आत्मा तक को जानता हूँ। कहते हैं ना कि इंसान अगर गंदा हो तो आत्मा पवित्र होती है, इसकी तो आत्मा भी गंदी है। इसने दूसरों को दुख देने के सिवा कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, इसे फरिश्ता कह रहे हो? ये शैतान है, अव्वल दर्जे का शैतान। बस बाबूजी बहुत हो चुका, आप इस तरह किसी को जलील नहीं कर सकते। और किस तरह करूं, जूते मार कर? मैं अब और नहीं सह सकता। क्या करेगा तू, मारेगा मुझे? ले, ले, मार, मार, खून कर दे मेरा। मैं चलता हूं सब, मैं जल्दी में हूं। तू कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? आग लगा के भाग रहा है तू, तारीफें इसकी की है ना, अब इसकी बुराइयां भी सुन ले। अरे अमरनाथ जी छोड़िए ना, चलो चलते चलिए। तो इसके मुंह लगना कौन चाहता है, रुकना कौन चाहता है यहाँ पे, मैं तो खुद जाना चाहता हूँ। अच्छा सुशील साहब, कब से तू इसके साफ साफ कहे जा रहा है, निकल यहाँ से। आई आई आई